इन पार्ट नंबर टू वी विल डिस्कस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो वट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि इंसिडेंट लाइट, ये स्विचेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स ऑन ए मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दिस मेटल सरफेस. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दीज एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. ठीक है, बट दीज आर सम फोर लॉज आर फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो दीज आर फोर लॉज. There are four laws of photoelectric emission. The first one is the incident frequency is greater than the emitted electrons frequency या threshold frequency. तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपके पास metal है, ठीक है, there is minimum frequency of a incident light below which no photoelectrons eject out, that is called थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. द सेकेंड वन इज द, अब देखो जैसे आपने लाइट को इंसिडेंट कराया सरफेस पे, इस ये जो लाइट्स कैसे फॉल कर रही है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में. अब ये एनर्जी ऑफ पैकेट्स क्या है, यहाँ पर क्वांटा है, मतलब फोटोन पार्टिकल्स है. फॉर एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, जैसे आपके पास बहुत सारे बैलून्स हैं, बैलून्स को आपने बॉम्बार्ड कराया इस मेटल सरफेस पर, तो बैलून एकदम से जैसे बॉम्बार्डेड होगा, बर्स्ट होगा, तो नॉर्मली उसमें से अगर आपने वाटर फिलअप किया हुआ है तो वाटर एकदम से गिरेगा, या स्पार्कल्स फिल किए हैं, स्पार्कल एकदम से सरफेस पर फॉल करेंगे. ऐसा तो नहीं कि पहले फर्स्ट टाइम पीरियड में 5 स्पार्कल, थोड़े टाइम पीरियड में फिर 10 स्पार्कल्स, ऐसा नहीं होगा. तो इट मीन्स एकदम से जैसे ही फॉल होगा तो जो भी आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले उसको एनर्जी मिलेगी एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी एनर्जी हाईएस्ट हुई और एनर्जी हाईएस्ट होने पर ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से क्या होंगे, इजेक्ट आउट होंगे. राइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास, क्या ये काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंडेंट है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस मेटल सरफेस पे रैंडमली मूव. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं फोटॉन्स के थ्रू, क्या हम इसे ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. राइट, कि इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कितनी लाइट आप फॉल कर रहे हो, कितने फोटॉन्स को आप सरफेस पर फॉल कर रहे हो पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम टी, दैट इज द इंटेंसिटी. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. एंड द थर्ड वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी हाईएस्ट मिल गई एंड द काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी विल बी हायर. तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. एंड द फोर्थ वन इज द देयर इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में एकदम से होगा प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एकदम से वैल्यू बस किया, 5 पार्टिकल्स पहले गिर गए, फिर ऑफ नेक्स्ट 5 आपके पास अलग गिरे, एक टाइम में एक बार में ही जो आपके पास बैलून है दैट इज बॉम्बार्डेड इंस्टेंटेनियस, मतलब देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द पार्टिकल्स, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. अगर यहाँ पे ग्राफ पूछा जाए आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फॉल हुए पर इंटेंसिटी में, दैट इट विल बी द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, आप अनदर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि दो बल्ब आपके पास गिवन है, टू बल्ब्स, वन बल्ब आपके पास 100 वॉट और सेकेंड बल्ब लेट अस सपोज 200 वॉट. फर्स्ट बल्ब 100 वॉट में से कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, सपोज 15 इलेक्ट्रॉन्स. 200 वॉट में से यही आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए, तो किस में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गिरे, 200 वॉट में से. तो इंटेंसिटी किसकी हाईएस्ट होगी, इस वाले सेकेंड बल्ब की. तो सेकेंड बल्ब इंटेंसिटी इज हायर देन द फर्स्ट वन इंटेंसिटी. द सेकेंड ग्राफ इज द काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी में, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी. तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो द ग्राफ विल बी इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किसने किया, आइंस्टाइन ने परफॉर्म किया. ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दी थी, इससे पहले जो फाउंड किया था वो थे हर्ट्ज एंड लियोनार्ड,
उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के बारे में डिस्कवरी की, मतलब देखा कि ये चीज़ भी हम डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द आइंस्टीन. सो इसलिए आइंस्टीन का यहाँ नेम प्रेफर हुआ है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टाइन इक्वेशन. तो फर्स्ट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्वार्ट्ज विंडो यूज़ की. क्वार्ट्ज विंडो मीन्स ग्लास टाइप विंडो, ये ग्लास ट्यूब. इसके इसे वैक्यूम में प्लेस किया, ग्लास विंडो को या ग्लास ट्यूब को. इसके अंदर दो प्लेट्स यूज़ की. फर्स्ट प्लेट इज़ कैथोड एंड सेकेंड इज़ द एनोड. कैथोड हैज़ नेगेटिव टर्मिनल, एनोड हैज़ पॉजिटिव टर्मिनल. बोथ आर कनेक्टेड विद द बैटरी. फर्स्ट कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव. द क्लोज की विल बी यूज. अब इसमें जब बैटरी यूज़ होगी तो बैटरी से करंट पास होगा, करंट पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. जब करंट पास होगा तो करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज़ की गई है, मिली एमीटर. एंड देन रियोस्टैट विल बी यूज़, क्योंकि करंट सेम तो पास नहीं हो रहा हर टाइम पर, अलग अलग करंट पास होगा, T1 में अलग, T2 टाइम में अलग, T3 टाइम में अलग, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड. तो इट मीन्स वोल्ट मीटर विल बी यूज़ करोगे आप यहाँ पे, वोल्टेज भी आप यूज़ करोगे एनोड का पोटेंशियल के लिए. एनोड का पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ एनोड का. तो पूरा कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है इसमें, क्या स्टार्टिंग में कि जो ग्लास विंडो है यहाँ से आपको क्या करना है, किसी सोर्स से, मान लो आपने दो बल्ब रखे हैं, दोनों बल्ब से आप अलग अलग इंटेंसिटी फॉल करा रहे हो. द फर्स्ट बल्ब इज 100 वॉट, सेकेंड बल्ब इज 200 वॉट. 100 वॉट से आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स निकले और 200 वॉट में से 30 इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले फर्स्ट बल्ब के लिए आप एज्यूम करोगे तो जिसकी इंटेंसिटी किसकी हाईएस्ट होगी, 200 वॉट की, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे. तो इसमें आपको क्या चाहिए, इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए कंपेरिजन टू द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट एट द कैथोड then photoelectrons produce which are attracted by the anode, so it constitute the photoelectric current. और अभी जब लॉज में हमने देखा कि photoelectric effect में there is no time lagging between the incident light and emission of the electrons. Frequency is greater than kinetic energy. जितनी frequency बढ़ेगी kinetic energy electrons की, kinetic energy भी increase होगी. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस. तो करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है साथ में. तो ये करंट एक लिमिटेड पर्टिकुलर रेंज तक करंट इंक्रीज होगा. पर्टिकुलर रेंज तक जो करंट इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा एट ए पर्टिकुलर टाइम. अब जब करंट सैचुरेट होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट इज करंट जब सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट होने के बाद वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, सेम मतलब कांस्टेंट हर एक पॉइंट पर. उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट एक टर्म और होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब ये एनोड का जो पोटेंशियल है यहाँ पे हाईएस्ट हो रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इसमें आपने कम्यूटेटर का यूज़ किया है. अभी तक आपने इसको किससे कनेक्ट किया था, बैटरी से. एंड देन अब रिवर्स में कनेक्ट किया है, कैथोड एनोड बैटरी सेम है लेकिन वायरिंग को क्रॉस किया है. ये एनोड का पोटेंशियल अब मैक्सिमम हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब फोटो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजिंग. अब एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर इसे जब कनेक्ट किया आपने बैटरी से, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ द कम्यूटेटर. तो इलेक्ट्रॉन्स जब आप एनोड का पोटेंशियल रिड्यूस करोगे तो उस टर्म को यहाँ पर बोलते हैं दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनोड के पोटेंशियल की वैल्यू को रिड्यूस करना. द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू द एनोड दैट कैन इवन स्टॉप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स द एनोड इज कॉल्ड एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इसी का एक ग्राफ है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों में. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल को आप रिड्यूस कर रहे हो, पहले मान लो -15 -20, तो एक टाइम पर जो आपको करंट मिलेगा दैट इट विल बी सैचुरेटेड, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तक एक रेंज तक सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी तक सर्टेन वैल्यू ऑफ पॉइंट तक करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी सर्टेन रेंज तक. तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, सैचुरेशन करंट. द करंट विल बिकम कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड एज ए सैचुरेशन करंट.